गुड मॉर्निंग गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत करता हूँ शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। आपको दोस्तों पता होगा कि एएलपी का टेक्नीशियन का एडमिट कार्ड आ चुका है और अभी हाल ही में रिलीज हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है जल्दी से देख लो, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ कैसे देखना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप अपने गूगल क्रोम में जाना है, जैसे मैं अभी जा रहा हूँ। गूगल क्रोम में जाकर दोस्तों आपको डालना है सबसे ऊपर में sakairejoy.com, जैसे मैं अभी डालूंगा। 2 मिनट वेट करना। फिर देखो यहाँ पर आपको डालना होगा sakairejoy.com, ठीक है, क्योंकि वही एक वेबसाइट है जो कि सबसे अच्छी वेबसाइट है और बहुत ही जल्द आपको बता देती है, ठीक है। तो वो डालते ही सर्च कर लेना है। सर्च दोस्तों करते हैं, यहाँ पर देखो नीचे जाना है और यहाँ दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है रेलवे एलपी टेक्नीशियन एग्जाम सेंटर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको जाना है, क्लिक करनी है। क्लिक यहाँ दोस्तों आप मॉक टेस्ट भी बना सकते हैं। नीचे जाना है दोस्तों, नीचे जाकर आपको यहाँ देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है रीडाउनलोड एग्जाम, यहाँ लिखा हुआ दोस्तों कि चेक एग्जाम सेंटर डिटेल्स, इस पर दोस्तों क्लिक करना है। खैर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा डायरेक्ट का, वहाँ जाकर आप कर सकते हैं। तो इसको क्लिक कर लेना है। खैर मैं आपको दे दूंगा डायरेक्ट, वहाँ जाकर आप डाल लेना, ठीक है। चलो दोस्तों देख लो, यहाँ पर दोस्तों आपको यूजर आईडी डालना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालना है, आपकी कंप्लीट हो जाएगी। जैसे मैं डालकर अभी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैं डाल देता हूँ आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, देख लीजिए मैं डाल दिया, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट यहाँ डाल लेता हूँ। नीचे जाता हूँ, यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ फटाफट चूज कर लेता हूँ, जो मेरा अपना डेट ऑफ बर्थ है उसे मैं अपना फटाफट चूज कर लेता हूँ। 2 मिनट रुकिएगा, 10 12 1997, ठीक है। चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्लिक करता हूँ नीचे, और नीचे यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों देखो लॉगिन पर क्लिक करते ही यहाँ मैं बता दूँ कि ये कोई आपकी फ्रेंड्स, ये कोई आपकी ये नहीं है, ई कॉल लेटर नहीं है, बस आपको एग्जाम सेंटर या डेट वर्ड देने के लिए यहाँ पर आपको एग्जाम कब होगी, ये सेंटर कहाँ जाएगी उसके लिए। तो देख सकते हो यहाँ पर मेरा नाम आ चुका है, जो मेरा नाम है, मेरा पंजीकरण संख्या, मेरा पिताजी का नाम आ चुका है, और यहाँ पर कह रहा है इसको प्रिंट करना था। दोस्तों आप यहाँ प्रिंट भी कर सकते हैं, इसको इस अनुसार यहाँ पर आप सेव भी कर सकते हैं। दोस्तों नीचे जाने पर यहाँ पर आपको परीक्षा शहर लिखा है, जो मेरा इंदौर पर है, आप कहाँ पड़ता है अपना चेक कर लीजिएगा। यहाँ परीक्षा शहर आपको मिल जाएगी, यहाँ आपको परीक्षा राज्य मिल जाएगी, जहाँ पर आपको राज्य जाना है। उसके बाद आपने कौन सा चूज लैंग्वेज किया है, चयनित परीक्षा भाषा यहाँ पर मिल जाएगी आपको, आपकी किस दिन एग्जाम होगी वहाँ पर यहाँ पर मिल जाएगी, और यहाँ पर आपको कौन सी पारी में है और कितने वजह से है यहाँ पर दोस्तों आपको जानकारी, यहाँ पर फुल डिटेल्स यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर परीक्षा की तारीख क्या है, अवधि क्या है, उपस्थित होने का समय क्या है, यहाँ पर यह भी ध्यान रखने का कि शिफ्ट में पढ़ा है और कब आपको जाना है, कब आना है, इस बात को ध्यान रखकर यहाँ पर कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। इस अनुसार आप लोग चेक कर सकते हैं आराम से एग्जाम, मैं आपको नीचे लिख दे दूँगा, वहां जाकर आप कर सकते हैं। यार ऐसे से अपडेट पाने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर पक्का करना, सब्सक्राइब करने से आपको न्यू अपडेट मिलती रहेगी हमेशा। और दोस्तों हो सके तो हमारे इंस्टाग्राम फॉलो करना, मैं इंस्टाग्राम पर हमेशा न्यू नोटिस डालता रहता हूं, तो उसको भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। बाय, फिर मिलेंगे।